हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले देखने के लिए। में पिछले 48 घंटों में 3 तलाक की 4 घटनाएं सामने आई हैं। 3 तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, तो वहीं केंद्र सरकार इस पर कानून लाने की तैयारी कर रही है। 3 तलाक का बिल लोकसभा से पास भी हो चुका है, बावजूद इसके 3 तलाक देने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। बरेली, सुल्तानपुर, गोंडा, रामपुर में मामूली बातों को लेकर पतियों ने अपनी अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोला और नाता तोड़ लिया। बरेली में पत्नी से मारपीट के बाद दिया 3 तलाक। यूपी के बरेली में जगतपुर की तरन्नुम का नया मामला सामने आया है। तरन्नुम को पहले तो पति रफीक ने जमकर पीटा, फिर जान लेने की कोशिश की, फिर तलाक 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 कहकर चला गया। दोनों की शादी मई 2016 में हुई थी। शादी के बाद रफीक तरन्नुम को दहेज के लिए परेशान करने लगा। 2 दिन पहले रफीक तरन्नुम के मायके पहुंचा और उसके साथ मारपीट की, तरन्नुम की गर्दन दबा दी। जब उसके पिता ने उसे बचाने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट की। इसके बाद रफीक ने तरन्नुम को तलाक 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 कहकर हमेशा के लिए पति पत्नी का रिश्ता खत्म कर दिया। 02 सुल्तानपुर में पत्नी को दुबई से फोन करके दिया 3 तलाक। सुल्तानपुर में रूबीना नाम की महिला को भी उसके पति ने 3 तलाक दे दिया। रूबीना का निकाह 17 मई 2012 को हुआ था। परिवार का आरोप है कि दहेज की मांग को लेकर उसके पति ने पहले मायके भगा दिया और फिर दुबई से फोन पर 3 तलाक दे दिया। तलाक पीड़िता का ससुराल अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाने में है। रूबीना का 4 साल का बेटा भी है। 01 बेटी के इलाज से पल्ला छुड़ाने के लिए दिया 3 तलाक। गोंडा की सकीना की पति मुबारक अली से शादी 17 साल पहले हुई थी। सकीना अपने पति से कुछ नहीं मांग रही थी। दिव्यांग बेटी के इलाज को लेकर पति मुबारक अली से पैसे मांगे थे, लेकिन इसी से उसकी जिंदगी में कोहराम मच गया। मुबारक अली ने फोन उठाया, नंबर घुमाया और सकीना को 3 तलाक देकर उससे और उसकी बेटी से पल्ला छुड़ा लिया। सकीना 3 तलाक के दर्द को समेटे पिता के घर रह रही है। मुबारक अली मुंबई में नौकरी करता है और दोनों की एक लड़की करिश्मा भी है, जिसकी उम्र 14 साल है। सकीना का शौहर मुबारक साल में कभी कभार ही गांव आता और 2-4 दिन रहने के बाद वापस चला जाता है। अब तक शौहर उसे नियमित पैसे भेजता रहा। वहीं एक दिन बेटी की तबीयत कुछ ज्यादा खराब होने पर शौहर को फोन कर अपना दुखड़ा सुनाया, जिससे शौहर आग बबूला हो गया और फोन पर ही 3 बार तलाक 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 कह तलाक दे दिया। 03 दहेज नहीं मिलने के बाद दिया 3 तलाक। रामपुर के रामपुर की अमरीन को उसके पति ने 6 जनवरी को 3 तलाक दे दिया। 2 महीने पहले अमरीन ने अपने पति पर दहेज उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध को लेकर केस दर्ज कराया था। 2 महीने पहले दर्ज हुए इस मामले में दहेज उत्पीड़न के आरोप थे, जिसके चलते मामला काउंसिलिंग की प्रक्रिया में चल रहा है। अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने जैसे मामले में पुलिस जांच कर रही है।